हेलो तुम दो आराम से क्या कमाल है। मैं आज सुबह सोया था कि हाथ में बांसुरी रखूंगा, ये बांसुरी ला।
Yeah.
Thank you.
Thank you.
स्वामी कैलन व्यास जी मुस्करा के वो हमारे कथवाइट ट्रस्ट परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you.
करना चाहता हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। हमारे उज्जैन की एक ऐसी प्रतिभा है जो शैलेंद्र स्वामी मुत्रा के नाम से चमन है, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। मैं उस संदर्भ में आपसे उनके और शुभकामनाएं लेना चाहता हूँ। शैलेंद्र व्यास ने तो उज्जैन का नाम गौरवान्वित ही किया है। राष्ट्रपति पदक मिलना इतना आसान नहीं होता है, उसके पीछे उनकी मेहनत है, उनका परिश्रम है, उनकी उपलब्धियां हैं और उनके द्वारा समय समय पर किया गया सामाजिक कार्य है, चाहे खेलकूद की गतिविधियां हों चाहे अन्य सामाजिक कार्य हों, वो सदैव अग्रणी रहे हैं। इसके अलावा उनका व्यक्तित्व लोकप्रिय व्यक्तित्वों में गिना जाता है, इसलिए इतना प्रसन्नता का अनुभव है कि उज्जैनी का नाम दिल्ली तक राष्ट्रपति भवन तक ले जाने का उन्होंने जो महत्व। शिक्षा जगत में शुरू से ही गुरु पद्धति पे चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पे अध्ययन किया था, इसलिए आज ये शिक्षा केंद्र ही है। और आज हमारे छोटे भाई शैलेंद्र व्यास का जो सम्मान हुआ है राष्ट्रपति द्वारा, उसके लिए मैं और पूरे नगरवासी शुभकामना करते हैं। और ये नगरी में इस प्रकार के एक ने एक कोई ना कोई रत्न पैदा होते ही आया है। अवंती का में सब रत्न है, इन रत्नों को केवल चुनने वाला चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने चुन करके जो इनको सवारा है, आशीर्वाद दिया है, उसके प्रति मैं राष्ट्रपति को भी, देश को भी और तमाम शिक्षा जगत के लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं। श्री हरि संगीत कला केंद्र में हजारों विद्यार्थियों को नृत्य संगीत ताल की शिक्षा देता हूँ। पंडित श्रीधर व्यास के नाम से सारा भारत सबको पहचानता है, सम्मान होता है, लेकिन आज व्यास जी का सम्मान दे करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। व्यास तिष्ठति जगता, सारा संसार ही व्यास का रूप है। बड़े हर्ष की बात है और गौरव की भी बात है कि हमारे यहाँ के शिक्षक को माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। वस्तुतः ये उज्जैन की अत्यंत प्राचीन और महर्षि सांदीपन के द्वारा प्रवर्तित उस शिक्षा परंपरा का सम्मान है और व्यास जी उसी परंपरा को वस्तुतः निभा रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए मैं व्यास जी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और महामहिम राष्ट्रपति के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसे सुयोग्य और बहुआयाम व्यक्तित्व को सम्मानित किया है और इसके द्वारा उज्जैन का भी सम्मान बढ़ा। मैं कमलेश दत्त त्रिपाठी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उज्जैन के एक शिक्षक को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्वारा उसका चयन निश्चित रूप से उज्जैन के गौरव को बढ़ाने वाला है। वैसे तो उज्जैन शिक्षा के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर सम्मान प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन करके यहाँ के नाम को सारे विश्व में गौरवान्वित किया था। इस प्रकार यहाँ के शिक्षक का तो सारे विश्व में सम्मान है। हम चाहते हैं कि यहाँ भविष्य में भी ऐसे शिक्षक आएँ
जिनका विश्व स्तर पर सम्मान हो, मैं आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं को बधाई देता हूँ और राष्ट्रपति के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उन्हीं जैसे के एक सेठ को सम्मान दिया। नरेंद्र व्यास जी को जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कार मिला है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और महाकाल से ये कामना करता हूँ कि वो भविष्य में भी इसी प्रकार से अपनी योग्यताओं को उज्जैन में वो करते रहें, जिससे उज्जैन का नाम हो गौरव बड़े उज्जैन। और राष्ट्रपति को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे उज्जैन के ऐसे योग्य शिक्षक को छोड़कर जो राष्ट्रपति, इसके लिए महाकाल उन्हें आयुष्मान करे और उनकी भी यश और कीर्ति देश में महेश किया। शैलेंद्र व्यास को जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है टीचर डे के ऊपर, उसके लिए हम राज स्पोर्ट संगठन की तरफ से सभी लोग शुभकामना देते हैं। शैलेंद्र व्यास जी को जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है श्री हरि संगीत कला केंद्र की ओर से, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तिनैन्द्रो रथश्रवाहा भूवा विश्ववेदाः सारक्षोकरिषवे स्वस्तिनो बृहस्पति प्रधातु। श्री महाकालेश्वर के आशीर्वाद में सर्वे पश्चात में क्योंकि राजगुरु स्मृति समारोह बैंगलोर सम्राट संगीत सम्मेलन गोवा
पंडित जियाराज वसंत समारोह मुंबई, ग्रोवर लेन संगीत समारोह कोलकाता सहित अनेक अवसरों और स्थानों पर वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। आज और उनके साथ संगत करने के लिए बधा रहे हैं। सर्वप्रथम परिचय कराना चाहूंगी, प्रशांत विशाल होने के साथ साथ अनेक मंच प्रस्तुतियों का अनुभव उनके साथ है। इसी प्रकार के साथ जाने के लिए बधा रहे हैं वसंत गरुड़, सुविख्यात पखावज वादक पंडित अखिलेश गुंदेचा जी, हम उनका हार्दिक स्वागत श्रावण महोत्सव में करते हैं। Thank you.
मैं पास आ जाऊँ क्या? आपका नाम क्या था? महेश सोनी। मैं महेश सोनी उज्जैन से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। और हमारे उज्जैन वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उज्जैन का एक अच्छा शिक्षक और हमारा साथी, क्योंकि शैलेंद्र व्यास जी मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं और मेरे खेलकूद के साथी भी हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि राष्ट्रपति जी ने उन्हें एक अवार्ड के रूप में नवाजा है। और उन्होंने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के वातावरण में जिस तरह से उज्जैन में हमारे नई पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत करके, और उज्जैन में भी काफ़ी पॉपुलर हैं, खेल के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, और जितने भी हमारे यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि रहती है, शैलेंद्र व्यास जी हमेशा ही अग्रणी रहते हैं। और उन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से हमारे उज्जैन शहर की और ज़िले की नई पीढ़ी को बहुत कुछ ज्ञान दिया है। और राष्ट्रपति जी ने एक अवार्ड से जो उन्हें नवाजा है, उसलिए हम राष्ट्रपति जी को बधाई देते हैं। और शैलेंद्र व्यास जी जो कि यहाँ पर स्वामी मुस्करा के उन्हें यहाँ हम संबोधित करते हैं, मैं उनको अपने साथियों की ओर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। वो तो जो है ना, प्रकाश पांड्या एडवोकेट रंगकर्मी। शैलेंद्र व्यास जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और इतने बढ़िया व्यक्तित्व के धनी को जब राष्ट्रपति जी का इतना अच्छा अवार्ड मिला तो ये बात पूरे शहर के लिए, यहाँ के जन जन के लिए एक बहुत ही प्रशंसा की बात है। सारे लोगों ने अपने आप को शैलेंद्र जी को जो अवार्ड मिला उससे गौरवान्वित किया, खुद को भी शैलेंद्र जी ने पूरे शहर को गौरवान्वित किया। भाई शैलेंद्र जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में निरंतर कार्य किया है और उसमें सफलताएं प्राप्त की है। जब वो खुद माइक पर किसी प्रोग्राम का संचालन करते हैं, कंडक्शन करते हैं, तो उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से चार चांद लग जाते हैं। अभी सिंहस्थ महापर्व था, उसमें उन्होंने इतनी बढ़िया सेवाएं अपने आप के द्वारा दी एज ए अनाउंसर, एज ए उद्घोषक, कि ये पूरा शहर और यहाँ बाहर से आए हुए सारे लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसे व्यक्ति सदा हंसने वाले, जिनको ये पूरा शहर, पूरा नगर और आसपास के इलाके स्वामी मुस्कुरा के नाम से जानते हैं, तो ऐसे स्वामी मुस्कुरा के को मैं अपनी ओर से, मेरे अभिभाषक साथियों की ओर से और सारे रंगकर्मियों की ओर से बहुत बहुत कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं और भारत शासन का इसके लिए आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु सांदीपनी की नगरी में हमारे भाई शैलेंद्र व्यास को जो राष्ट्रपति पदक प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से उनकी सेवाओं और विभिन्न प्रकार के आयोजन गेमों में उन्होंने कई बच्चे तैयार किए, उससे उनको सम्मान जरूर मिला था। मैं बधाई देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इस संबंध में जो भी टेक्निकल कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने हमारे शैलेंद्र व्यास जी को सुनकर के जो सम्मान दिया है, उससे हमारे पूरे नगर में के गौरव में और वृद्धि हुई है। और मैं माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ और राज्य शासन के भी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि शैलेंद्र व्यास जी को उन्होंने ये सम्मान दिया। धन्यवाद। स्काउट वाला भी होगा। एक मिनट भैया, सब आ रहे ना।
ले लो भैया भैया।